जिन ग्रुप्स में ज़्यादा बच्चे वगैरह होते हैं ना, वो ज़्यादा माइग्रेट नहीं करते। हेलो यारो, वेलकम बैक टू माय न्यू जर्नी। मैं आपका युवराज जिम कॉर्बेट से। भाई सुबह के बज रहे हैं 5:30, तुम्हारा भाई हो गया मस्त रेडी। भाई आज की सफारी है फिर से झिरना जोन, क्लाइंट पहुंचने वाला है। भाई मैं खड़ा हूं अभी रामनगर की एक जबरदस्त चाय की शॉप में। भाई कभी भी आप कॉर्बेट आते हैं ना, तो इतनी सुबह भाई शॉप बहुत कम खुलती है, तो इस जगह पे आके भाई आप चाय वगैरह पी सकते हैं। तो भाई निकलते हैं, दिखाते हैं जंगल आपको युवराज के अंदाज में। बढ़िया, अब इधर आप बैठ जाओ। बहुत बढ़िया, कहाँ से हैं आप लोग? कोलकाता। अरे वाह, तो आपको परमिट खुद काटना, ये सब कैसे पता चला कि खुद काटते हैं? आपका वीडियो से ही पता। अरे वाह, सही है, थोड़ी सही जानकारी देते ना, क्योंकि जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं ना उन सबको मैं नहीं कॉल करके कर सकता ना, तो इसलिए बता देते हैं सही चीज़ है। सीधे गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाओ, अभी के अर्ली मॉर्निंग अगर सफारी है तो आदमी को अपना स्टार्टिंग पहुंचना चाहिए। लोग आराम से उठ के आते हैं 6-7 बजे इस टाइम पे ना। अब टाइगर अपने लिए थोड़ी, क्योंकि नॉक्टर्नल एनिमल है ना, उसे पकड़ना है तो सुबह सुबह कई दफ़े हो जाता है गेम। लोग बहुत देर में आते हैं या जंगल से जल्दी चले जाते हैं। कैसा लग रहा है उत्तराखंड? मस्त है ना? और लोगों के जो बगीचे हैं ना पूरा जंगल से लगे हुए हैं, तो कई केसेस में क्या होता है, कई दफ़े वैसे ह्यूमन को टाइगर बहुत अवॉइड करता है। ऐसे आबादी वाले एरिया में बहुत कम सुनोगे टाइगर का आना, लेपर्ड का आना तो हो जाता है, पर कई दफ़े डियर के पीछे पीछे भी टाइगर जो है बगीचे लगे हुए हैं, जैसे ये लगा हुआ ना पूरा जंगल तक, उसमें आते आते यहाँ तक आ जाता है आबादी तक। और एक बार ऐसा हुआ, एक यहाँ पे टाइगर ने मैनिटर हो गया, उसने 3 लोगों को मारा था, 2 लोगों को घायल किया था, कुछ सालों पुरानी बात है। और गवर्नमेंट का उसे मारने में पता 90 लाख रुपये का खर्चा आ गया, 90 लाख रुपये का। गवर्नमेंट मारना नहीं चाहती थी, गवर्नमेंट उसे ट्रैंकुलाइज करना चाहती थी, उसके लिए हेलीकॉप्टर भी मंगाया गया था। बता रहे हैं कि इस एरिया तक भी कई दफ़े हो जाता है मूवमेंट। एक दिन की बात बता रहा हूँ, सफारी से आ रहा हूँ मैं, जैसे भाई ये घूम रहे हैं ना, यहाँ पे विलेज है तो यहाँ पे लोग ग्राउंड है, यहाँ पे खेलते हैं, यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, और उस रॉक में टाइगर चढ़ रहा है। वो उधर पहाड़ी नहीं है वहाँ, बस लास्ट विलेज यही है, इसके बाद अब कोई विलेज नहीं है। और आपकी नॉलेज के लिए बताते हैं, जितने जोन है ना ये भी सारे विलेज ही थे। जिसको आप विजिट करने जा रहे हो झिरना, ये 1992 में रिलोकेट किया था अपने जोन, जिस जोन से होते हुए जाओगे ढेला उसे 2013 में रिलोकेट किया था। दो फेमस जोन बिजरानी और ढिकाला 1936 से पहले रिलोकेट है। यहां से आपकी एंट्री शुरू हो गई भैया जी, आप लोग सभी अपनी आईडी निकाल लेंगे, परमिट भी आप ही दिखाएंगे। इसे जंगल के अंदर विजिट कर चुके हैं, रोड का कोई कमर्शियल यूज नहीं है, कहने का मतलब है नजरें सामने रखिएगा, सडनली कोई भी वाइल्ड एनिमल आपके सामने से क्रॉस कर सकता है, आप भी ध्यान दीजिएगा। सो गए, आराम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, मतलब बाघ आएगा तो भी नहीं उठाना है। नहीं, टाइगर का माहौल बन जाता है ना अभी, तब कह रहा हूँ नजरें, या तो यहाँ पे गए स्टार्टिंग गाड़ी को गेम बनता है, या लास्ट गाड़ी को गेम बन जाता है। स्पॉटेड डियर है मेल, एंटीलर है ना। सुनिए मेरी बात सुनिए, बहुत हिरन दिखेंगे, इतने हिरन दिखेंगे थोड़ी देर बाद कहोगे और आज भाई हिरन ही दिख रहे हैं। तो सुबह थोड़ा जो गेम है टाइगर साइटिंग का है, इन गाड़ियों से पास इसलिए ले लिया, हमें सामने का फ्रंट पूरा दिखेगा। सडनली वाला माहौल है, मानिए है ना, अभी बहुत फोटो खिंचवा दूंगा मैं, अच्छी फोटोज बिल्कुल अलग अलग एंगल में हिरनों की, क्योंकि हमने जहाँ माहौल है अभी, ये तो अभी हम ढेला में है ना, अपने झिरना जाना है, तो मतलब है गाड़ी सामने से कोई होनी नहीं चाहिए। सडनली वाला माहौल ज़्यादा है, अभी सुबह सुबह का टाइम है, जैसे ही जैसे धूप बढ़ने लगती है सारे एनिमल और डेंस में जाना शुरू कर देते हैं। कॉल टाइगर को लेकर अक्सर होती है, ठीक है, तो आप थोड़ा सा यहाँ पे 2 मिनट रुक के ऑब्जर्व करेंगे, ध्यान से सुनिए। हो रही ना, सुना आपने अभी प्याऊ आवाज आ रही जो, तो हम निकालेंगे अपना वेपन मतलब बाइनोकुलर। पहले देखते हैं डियर बोल कौन सा रहा है, वो डियर जो खड़े हैं ना वो बोल रहे हैं, देखो उधर जैसी अगर टाइगर आएगा ना, उतनी सारी हिरन है एकदम इधर उधर भागेंगे, इससे देखो भाग रही ना हिरन है, देखो टाइगर है वहाँ, टाइगर है हाँ, तभी हिरने आवाज कर रही हैं, अलर्ट कर रही हैं एक दूसरे को। इसमें नहीं दिख रहा, आ सकता है, कहने का मतलब हिरनों को दिख चुका है, वो वेट करेंगे, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, क्योंकि हमारा जोन जो है ना झिरना जोन है, हम आगे को 2 मिनट रुकते रुकते बढ़ते रहेंगे। इधर कोने में देखिए बहुत सारा झुंड है, उन्हीं झुंड में से कुछ डियर अलार्म कॉल कर रहे हैं, निकलते हैं आगे को। यहाँ देखिए कितने सारे हिरन है, सीजनेबल रिवर है ये, देखो कितने सारे आ रहे हैं,
शांत रहना एक बार। ये रिकॉल एलिफेंट है शायद, हाँ टाइगर है, डियर भाग रही है, डियर भी देखो अलर्ट होके भाग रही ना, सब दिखाओ। फिर नॉर्मल हो गई, बच्चे भी हैं ना इनके साथ छोटे। जब ये डियर के संग छोटे बच्चे भी होते हैं ना, तो उस टाइम पे भी डर के कई दफे ना अलार्म कॉल कर देते हैं, जैक कॉल वैकॉल को भी देख के। ये भी हो सकता है। देखो फ्रेंडशिप, अच्छा बोलो मत, मस्त किया था पर इसने भाई एक बार। उधर भाई बंदर के बच्चे का और लंगूर का चल रहा है। इधर बड़ा मस्त वो गले मिल लेते ना। फ्रेंडशिप है ना वो लंग बंदर डियर इनकी ना, तो ऊपर से लिप्स भी तोड़ के फेंक के दे रहे हैं उन्हें। पहुंच गए भैया खारा गेट, यहाँ से हमारी झरना जोन की एंट्री होगी। एक मिनट का समय और लेंगे, यहाँ पे आपका परमिट चेक होगा, ठीक है। ये पिकॉक की आवाज आ रही है बच्चे, ठीक है। नहीं देखो स्पॉटेड डियर का बहुत जबरदस्त ग्रुप जो है इधर क्रॉस करेगा अभी। अब देखो डियर आपको पास पास से भी दिखेंगे। ये रेड जंगल फाउल है, देखो कितना खूबसूरत है, फोटो लो इसकी। ये सारे मुर्गों का डैडी है, सबसे पहले यही आया था। लाइट भी अच्छी पड़ी ना, फुल ग्रो भी है। फुटप्रिंट देखने की कोशिश कर रहे हैं, फुटप्रिंट से 40% पता चल जाता है कि किधर को टाइगर ने वॉक किया, बाकी पता चलता अलार्म कॉल के बाद ही। ये डियर आपको ज़्यादा दिखेंगे क्योंकि इनका बिहेवियर बड़े बड़े हर्ट्स में बताया ना, तभी यही दिख रहे हैं हमें ज़्यादा। और सांबर है फैमिलियर, और जो बार्किंग दिखता है छोटू सा वो सॉलिटरी बिहेवियर का है, ये अब जोड़े में रहेगा पैर में। कुछ पैरों के निशान कुछ हटके हैं, ये लग रहा है मैडम यहाँ पे ऐसा लग रहा है एक आदमी कोई बिना चप्पल के चला है ना, दिख रहा है मतलब जिसने स्लीपर नहीं पहना है। ये पता किसके पैर है, स्लॉथ बियर के बच्चे, हाँ भालू के पैर का निशान है, और वो उसका आगे हाथ है देखो आगे, हाँ भालू का, भालू, ये भालू चला है ना। भालू की साइटिंग बहुत रेयर है भैया, इसलिए क्यों पता है, किसको देख के कोई अलार्म कॉल नहीं होती है, नंबर बहुत कम है, मतलब 70-80 का नंबर है, पर रैंडम दिख जाएगा आपको भालू, आप ढूंढ किसी और को रहे दिख ये जाएगा। ये गड्ढा जो किया भालू ने किया है, देखो ये जो कर रखा ना यहाँ पे, हाँ ये बैठी, ये तो ओरिएंटल, ये ग्रे हॉर्नबिल है, देखो आवाज़ आ रही है, चिया चिया आवाज़ आ रही जो कर रही है, ये ग्रे चिड़िया है, ग्रे हॉर्नबिल है, वो उड़ के गई ना देखो। 600 प्लस बर्ड है हमारे पार्क में, जैसे भी हम बैंड पे देखते हैं ना, आपने बैंड के उन पूरे कोनों को चेक करना है। टाइगर को पता रहता है कि इंसान अपनी गर्दन कितनी घुमार तक देखेगा, उस जगह पे ऐसे एम्बुश करके बैठा रहेगा। पूरा एरिया नाले, जैसे जितने भी हमारे सफारी के दौरान आपको नाले मिलेंगे ना, उन नालों को ऊपर नीचे अच्छे से चेक करो। हम भी कर रहे हैं और भी कर रहे हैं, आप लोग भी देखते रहो, ज़्यादा प्रेशर भी नहीं, कुछ टाइगर ही नहीं कुछ और भी दिख सकता है। एलिफेंट का ग्रुप है, ये वही ग्रुप है कल वाला, करो हाँ तुम ही करते हो गड़बड़ सारी। या भैया जी इनकी बातों में बताना है, बहुत खुंकार आती इसमें, क्योंकि एक टस्कर को कल इंजर्ड किया सबसे बड़े वालों को, इतनी सूट पूरी कटी है उसकी, हाँ कल मैंने रिकॉर्ड किया ना उसे। गुड वेल डन, मस्त था ना,
और उसने थोड़ा उस समय सूंड भी ऊपर किया ना। वो आ रहा है टस्कर, देखो अंदर दिख रहा पूरा ग्रुप ही भरा पड़ा है। इधर भी देखो ना पूरे हाथी हाथी, अच्छा खासा ग्रुप है। आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे ठीक है, क्योंकि हो सकता है ये पार भी आए ना इस तरफ जाएं, तो आगे बढ़ते रहेंगे भैया जी ठीक है। तो ये वही ग्रुप है, अभी ये ज़्यादा माइग्रेट किया नहीं है। जिन ग्रुप्स में ज़्यादा बच्चे वगैरह होते हैं ना वो ज़्यादा माइग्रेट नहीं करते हैं, और जिस एरिया में ना फूड अच्छा मिलता है उस एरिया में कुछ दिन रुक भी सकते हैं। तो पूरा एरिया को साफ करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे एलिफेंट। मुर्गे की कॉल हो रही है, हर चीज़ में रुकना है ना, ये मुर्गा अलार्म कॉल कर रहा है। आ रही आवाज़ मुर्गे की, पक 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 पक, ये डर वाली आवाज़ है। एक आध मिनट देखेंगे, हो सकता है आवाज़ ईगल को देख के भी हो सकता है किसी प्रेडेटर को देख के हो। रुक गया रितेश बाबा, चलो बढ़ेंगे। ऐसी हर छोटी बड़ी अलार्म कॉलों को ऑब्जर्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब आ जाएंगे राउंड सर्कल रोड है, कल जो इवनिंग टाइगर साइटिंग थी वो इधर थी, उस वाले पार्ट से हाथी आ रहे थे और टाइगर इधर कहीं ढांग में बैठा था। ऐसी एक ढांग जैसी दिख रही है आपको, नदी का किनारा जैसा ना, उस पर बैठा हुआ था। और एलिफेंट का ग्रुप इतना तगड़ा था कि पहले वो अंदर गया जहां को टाइगर गया, टाइगर के डर से पूरा ग्रुप बाहर आया। कम से कम 40-50 से ऊपर एलिफेंट होंगे, सब इधर को निकले थे। वही ग्रुप उधर अंदर घूम रहा है, अभी उसमें से कुछ ही दिखे हैं हमें। ये एलिफेंट के छोटे छोटे पैरों के निशान भी दिख रहे हैं ना, इससे पता चल रहा है कि एलिफेंट का जो ग्रुप है उनमें छोटे छोटे बच्चे हैं। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले उस वाले एरिया को एक बार सर्च कर लेते हैं पानी वाले, नहीं तो फिर इधर से निकलेंगे ठीक है। सिर्फ वाटर बॉडी चेक करने जा रहा हूँ अभी। अब आपको लगता है ये सामने वाली रॉक में एलिफेंट चढ़ सकता है? कल इवनिंग सफारी में एक एलिफेंट वहां चढ़ा था, इजिली चढ़ जाता हाथी ऐसे पहाड़ों पर, जिन पहाड़ों पर आप सोच नहीं सकते, और इन पहाड़ों से 10 गुना ज्यादा स्पीड से उतरता है। ऐसा अपने पैरों को फोल्ड करेगा और स्किट करता हुआ नीचे को आएगा। नहीं ये तो स्टॉर्क है, बर्ड है ये भी। सारे मेल हैं, अब इसमें इनके एंटीलर नए आए हुए हैं देखो। ये नाइट स्टे वाली गाड़ी है, इनको अभी नहीं दिखा, पर डे विजिट वाली गाड़ी को यहाँ पे टाइगर दिखा, इसीलिए हमारा इस रोड में आने का मतलब यही था। उससे ज़्यादा सर्कल राउंड मार के आना पड़ता है ना, तिराहा है जिस एरिया में हम जा रहे हैं, जहाँ साइटिंग ज़्यादा अच्छी है उस एरिया में पहले पहुँचते हैं। इन एरियो में टाइगर मिलेगा हमें रैंडम मुलाकात हो सकती है, और एक बार टाइगर नीचे क्रॉस हो गया फिर कोई मतलब नहीं है। टाइगर पंजे दिख रहे हैं नीचे, देखो टाइगर के पैरों के निशान दिख रहे हैं ना, इधर से इधर को जाने के। ये है टाइगर का, चले होंगे ना, पानी वानी पीने आते हैं ना खाली टाइम में, इसीलिए वाटर बॉडी के ज्यादा चक्कर मारते रहने चाहिए आजकल। ये नहीं छीनते हैं, इन्हें नहीं पता है कि तुम्हारे पास कुछ है इधर। ये लंगूर है, ब्लैक फेस मंकी, हट जाओ आगे से गुरु। हाँ इधर देखो, इधर भी चल रही पार्टी अभी। क्या है देखो, ये देखो ना पूरे पैरों के निशान, ये देखो यहाँ दिखाओ रितेश नीचे कितने सारे लगे हुए, देखो पूरे रोड बाय रोड चला है बाघ। बहुत छोटा फोन है डियर का, देखो बहुत छोटा। ये समर में टाइगर साइटिंग वाला बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि दूर दूर तक आप ओपन देख सकते हैं ना। शांत रहिए, फटाफट फोटो लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। नहीं है डियर है, ये वॉच टावर बनाए जाते हैं जंगल में, पेट्रोलिंग स्टाफ जब भी पेट्रोलिंग करता है इन एरिया में आके अपना रुकते हैं। हमने एक पेड़ दिख रहा है, उसमें ऐसा लग रहा है कि लंगूर लगे हुए हैं सारे। हिरन है, हिरन उस पर लगे हैं पूरे लंगूर। ये उसी पानी को ब्लॉक करके ना
ये जा रही ना नहर, आगे वो मैनमेड वाटर बॉडी को भरा जा रहा है, जो बड़ी वाटर बॉडी जहाँ से हम गाड़ी घुमा के ले गए थे ना, अब हम उसी पॉइंट पे पहुँच गए। सब इधर से गए, हम इधर चेक करके यूँ गोल घूम के आए हैं। पैरों के निशान देखो यहाँ तक, ये वही वाला पंजा जी, मुझे तो ये वाला वही दिख रहे हैं जो गया होगा। अच्छा इधर को ऊपर को जाने का, अच्छा ये इधर को कट गया है तो ना, इसके तो इधर फीमेल के लग रहे हैं। आगे ऑन रोड राइट में पिकॉक है और लेफ्ट में आपके पूरे वाइल्ड बोर हैं, जंगली सुअर। इधर सारे वाइल्ड बोर हैं, ये सारे फीमेल ही हैं, मेल के टस्क होते हैं। ये हमारा कैंपस है, यहाँ पे ब्रेक होता है 10 to 15 मिनट का, बट हम अभी नहीं जा रहे हैं कैंपस, पहले पूरा राउंड मारते हैं, जंगल के दो दो राउंड मार लेते हैं फिर आएंगे इधर को। जंगल थोड़ा ज़्यादा थिक है तो सडनली कोई मूवमेंट बने तो साइलेंट रहना है। ये है सरपेंटल ईगल, बोलो मत। ईगल नजर है कहीं पे, नहीं चेंजेबल हॉग ईगल भैया, सॉरी चेंजेबल हॉग ईगल जो पीछे हमें दिखा था ना वो था सरपेंटल ईगल, जो हल्का ब्राउन कलर का था ना वो वाला, ये अलग था ना। जब मैं अंदर को आ रहा था खारा गेट पे भी एक दो कॉल दमदार हुई, जबरदस्त दो चार कॉल ना। ये पहली गाड़ी थी, इनको भी अभी नहीं दिखा, आज स्टे वाली गाड़ियों का माहौल बना है। कोई नहीं, आपकी किस्मत में दिखना लिखा होगा ना तो पक्का दिखेगा। यहाँ से गए थे ना हम घूमने उस तरफ को, अब निकल रहे हैं हम अपने कैंपस की तरफ को, ठीक है। 10 to 15 मिनट का ब्रेक लिया जाएगा, उसके बाद जर्नी शुरू की जाएगी। वहाँ पे आप वॉशरूम वगैरह जा सकते हैं, चाय वगैरह अपना ले सकते हैं, और थोड़ा बीचों बीच में रुक के एक फ़ायदा और होता है कि कहीं भी अलार्म कॉल होगी दूर दूर हमें सुनाई देगी, और गाड़ियों से भी डिस्कस हो जाता है कि कहाँ क्या क्या माहौल बना है, ठीक है। ये हमारा कैंपस है, 1908 का बना हुआ गेस्ट हाउस है, ब्रिटिश टाइम का, 1908 का बना हुआ। थोड़ी देर यहाँ पर ब्रेक लेंगे फिर आगे अपनी जर्नी शुरू करेंगे। भैया हम इससे ही चलेंगे वापस, हाँ क्योंकि इससे ही चलेंगे हम वापस, हाँ क्योंकि ये मेन रोड है, इसमें फॉरेस्ट वाले भी एक्टिविटी चल रही, बाइक में भी जा रहे हैं, तो इस रोड में मूवमेंट अब कम हो जाएगा। इसी रोड से हम चलेंगे उस तरफ को अब, ठीक है भैया। अब समय भी हो गया, हम धीरे धीरे बाहर की तरफ को निकलेंगे, ठीक है, क्योंकि लास्ट गाड़ी है और क्या बोलते हैं हमें अभी बीचों बीच में हमने बहुत दूर जाना है, जो गाड़ियाँ वेट कर रही नाइट स्टे वाली है ना, इनको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, जो टाइम है अपना इस रोड पर आगे चलते हुए कहीं भी कुछ भी मिलेगा। अब ये आगे अपना खारा गेट, जिरना जोन से अभी हमने एग्जिट किया है, बाहर नहीं हुआ है अभी, हम ढेला जोन पे जा रहे हैं, ठीक है, ढेला जोन को होते हुए फिर बाहर निकलेंगे। 15-20 मिनट पहले टाइगर क्रॉस होते हुए,
तो गाड़ियाँ वैसे भी खड़ी हैं कि दोबारा दिख जाए। दो मिनट रुकते हैं, दौड़ते वेट कर लेते हैं। पॉइंट ठीक है, परमिट दिखा दीजिए भैया। बहुत ज़बरदस्त सफारी रही भाई। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यारों में ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, माहौल बना दो। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, ओके।